प्रधानमंत्री ईंट रखने वाले तो ये तो होता है ना कि भाई हमने ईंट रख दिया, ये तो हमने ईंट रख दिया, दूसरे का भी तो नाम आ जाए पट्टिका में, सिर्फ अपना ही नाम। एक है ना संस्कृत में कि एको अहम द्वितीय नाही, द्वितीय नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति, मतलब सिर्फ मैं ही हूँ और ना कोई है, दूसरा कोई नहीं है, ना भूत में है, ना पीछे था, ना कोई आगे होगा, मतलब इनकी यही फिलॉसफी है। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है कौन भाई? राष्ट्रपति। देश के प्रथम नागरिक है कौन? राष्ट्रपति। पार्लियामेंट के हेड कौन होते हैं भाई? राष्ट्रपति। तो ये तो बनता है ना कि पार्लियामेंट के हेड कम से कम तुम भाई, चलो ठीक है आपने उद्घाटन के शिलान्यास के टाइम में रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया, मतलब आप सिंबॉलिक यूज करना चाहते हो भाई, जस्ट तुमको पोस्ट देंगे लेकिन टिथ नहीं देंगे, मतलब दांत नहीं देंगे, पावर नहीं देंगे, कि भाई कोई भी शुभ कार्य करोगे तो अपनी पत्नी के साथ, अर्धांगनी के साथ होगा। तो ठीक है प्रधानमंत्री ने अपनी उनकी पत्नी साथ में नहीं रहती है, लेकिन राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक थे तो थे, वो भी तो हिंदू थे। एक तरफ जहां देश की बेटी, देश के पहलवान और देश का गौरव सड़कों पर बैठा है, वहीं जो चर्चा है वो अब डाइवर्ट कर दी गई है, नए संसद भवन पर आ गई है और काफी ज्यादा 25 पार्टियां कहा जा रहा है इसके विरोध में आ गई हैं। वहीं सावरकर की जयंती पर इसका उद्घाटन किया जा रहा है, लोगों का विरोध जारी है। बातचीत करेंगे लोगों से, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विचारधारा है, क्यों विरोध आखिरकार किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री से, इतनी नाराजगी क्यों अगर उद्घाटन वो कर रहे हैं। मैडम देखिए, प्रधानमंत्री से किसी कोई नाराजगी नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री को नाराजगी है, प्रधानमंत्री को नाराजगी है कि भाई ऐसी है। अभी ये मान लो उस समय जब इनका नाम इस पार्टी ने डाला कि भाई हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट होना चाहिए, उसमें क्या प्रचार किए इन्होंने कि भाई ये आदिवासी महिला है, ठीक है, उस समय एक राजनीतिक लड़ाई होती है, जब तक ये प्रेसिडेंट नहीं बने तब तक ये एक पॉलिटिकल पर्सन थे, अब प्रेसिडेंट बन गए तो नाउ ही इज नॉट द, सी इज नॉट द पॉलिटिकल फिगर, नाउ सी इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ दिस कंट्री, इस हेड का संवैधानिक वो हेड है, बिल्कुल अब वो कोई पार्टी पॉलिटिक्स भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री को एटलीस्ट जो मतलब ठीक है, अभी मान लो आप पूछोगे भाई सुप्रीम कोर्ट में केस किया, केस फाइल नहीं हुआ, अरे ये सब एक हर चीज रूल रेगुलेशन का अंबेडकर साहब ने नहीं लिखा है कि इसका उद्घाटन ये करेगा, इसका उद्घाटन ये करेगा, लेकिन एक परंपरा भी रही है ना कि भाई जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है कौन भाई? राष्ट्रपति। देश के प्रथम नागरिक है कौन? राष्ट्रपति। पार्लियामेंट के हेड कौन होते हैं भाई? राष्ट्रपति। तो ये तो बनता है ना कि पार्लियामेंट के हेड कम से कम तुम भाई, चलो ठीक है आपने उद्घाटन के शिलान्यास के टाइम में रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया, तो कम से कम भाई इसके टाइम में बुला लेते, इतना तो इतनी हमारे देश की जनता है, 7.5% ST है, 15% SC है, ये सब लोग है, उसके लिए भी कुछ करोगे तभी तो लगेगा कि इंडिया इज हमारा भी है, डेमोक्रेसी में तो हर आदमी को लगना चाहिए कि हमारा देश है। आपने जिस तरह मतलब आप सिंबॉलिक यूज करना चाहते हो भाई, जस्ट तुमको पोस्ट देंगे लेकिन टिथ नहीं देंगे, मतलब दांत नहीं देंगे, पावर नहीं देंगे, लेकिन क्या लगा था भाई आप उसको उद्घाटन करवा लेते। आपने शिलान्यास किया, उसमें भी आपको याद होगा जब राम मंदिर हुआ था, राम मंदिर में भी क्या किया इन्होंने, राम मंदिर में हिंदुओं में परंपरा है नहीं, आप जितने भी होंगे 50-60 की उम्र, उसमें क्या कहता है हिंदुओं में जो कहा वो है कि भाई कोई भी शुभ कार्य करोगे तो अपनी पत्नी के साथ, अर्धांगनी के साथ होगा। तो ठीक है प्रधानमंत्री ने अपनी उनकी पत्नी साथ में नहीं रहती है, लेकिन राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक थे तो थे, वो भी तो हिंदू थे, उनको यदि वो लाते हैं ना, यदि रामनाथ कोविंद को भी ले आते फैमिली के साथ तो और बड़ा दिल होता, लगता कि नहीं भाई ये मंदिर में जो लोग कुछ लोग सोचते नहीं 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 ये तो पार्टिकुलर वर्ग का है, वो भी सोचते अरे भाई जब हमारे हिंदुओं में कहता है। लेकिन बीजेपी का कहना है नए संसद भवन को लेकर कि अगर नींव रखने वाले, पहली ईंट रखने वाले प्रधानमंत्री हैं तो उद्घाटन करने में क्या दिक्कत? प्रधानमंत्री ईंट रखने वाले तो ये तो होता है ना कि भाई हमने ईंट रख दिया, ये तो हमने ईंट रख दिया, दूसरे का भी तो नाम आ जाए पट्टिका में, सिर्फ अपना ही नाम। एक है ना संस्कृत में कि एको अहम द्वितीय नाही, द्वितीय नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति, मतलब सिर्फ मैं ही हूँ और ना कोई है, दूसरा कोई नहीं है, ना भूत में है, ना पीछे था, ना कोई आगे होगा, मतलब इनकी यही फिलॉसफी है। अरे भाई ये क्यों नहीं सोचते हो कि पट्टिका में यदि एक नाम नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी का आया, दूसरा में द्रौपदी मुर्मू भी आता तो कितना होता है कि हमारे देश में भाई दोनों, ऐसा क्या पहले नहीं हुआ? इससे कहीं ना कहीं मैडम लूंगा क्या, यू आर नॉट डूइंग द फर्स्ट टाइम, ऐसे पहले यदि मान लो मिसेस गांधी जब थी 1975 में, जब
जब हमारे पार्लियामेंट के एनेक्से बनाया गया तो प्रधानमंत्री ने उस समय क्या किया था, उस समय उसका फाउंडेशन जो है बीवी गिरी राष्ट्रपति ने किया। वो क्या मैडम जो है वो थी, मैडम भी चाहती था वो तो उतना उतना तो पावरफुल अभी ये नहीं हुए ना, लेकिन वो उन्होंने बीवी गिरी। भाई सब प्रजातंत्र में सबके हिस्सेदारी होनी चाहिए, प्रजातंत्र ये कोई सिंगलटन चीज नहीं है, इट इज नॉट द सिंगलटन सेट कि भाई एक ही ऐसा सेट जिसका एलिमेंट एक ही हो, ये सिंगलटन गवर्नमेंट है। अब आपने यहाँ नेम प्लेट की बात करी, चेहरा है बाकी सब मोहरे हैं। यही है सवाल, सुनिए आपने कहा नेम प्लेट की आपने बात करी, क्या मोदी जी पर कहीं ना कहीं आरोप ये भी लगता आया है कि फोटोजेनिक रहते हैं प्रधानमंत्री, हर चीज की तस्वीर उन्हें चाहिए होती है और मीडिया की अटेंशन कहीं ना कहीं चाहिए होती है, नए संसद भवन में गोल्डन प्लेट लगने की तैयारी मोदी जी की है क्या? आपने जो बोला मीडिया फोटोजेनिक, ये कहने की बात है, ये सब लोग जानते हैं। ये तो अभी मंदिर में आपने कुछ दिन पहले गया, एक मंदिर थे उधर जो बद्रीनाथ या मैं एक नाम भूल रहा हूँ जो और थे, वहाँ तो पुजारियों ने बोला था कि नहीं यहाँ फोटोग्राफी का ही करना। आप देखे होंगे जो कॉमन आदि हमारे देश के हिंदुओं में केदारनाथ में, केदारनाथ तो बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत सारे मंदिरों में देखा है कि फोटोग्राफी करना मना है। आप यदि मान लीजिए आपने हमने कर दिए तो हम वी आर द कॉमन पर्सन, यदि लेकिन प्राइम मिनिस्टर रूल वायलेट करेगा तो सोचिए आप कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। केदारनाथ का बाद में था ना, यदि आपको याद होगा तो वहाँ के पुजारी ने आकर के विरोध किया कि मैंने इनको मना किया था फिर भी इन्होंने फोटो ले लिया। अरे भाई तुम आप प्रधानमंत्री हो, आप यदि रूल वायलेट करोगे तो आम आदमी क्या करेंगे? जबकि आप देखे होंगे यदि हिंदुओं के बहुत सारे बड़े बड़े जो मंदिरों में लिखा था यहाँ फोटोग्राफी मना है ना। अब कारण क्या है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। आप तो परंपरावादी हो, आप दूसरे को प्रधानमंत्री इतना पैसा खर्च करके गए हैं फोटो नहीं दिखाएंगे अपने फॉलोअर्स को तो कैसे चलेगा? अरे तो भाई फोटो दिखाने गए, आप दर्शन करने गए हैं, अब पार्लियामेंट में दिखाते हो, आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से फोटोग्राफी, एक ही प्रधानमंत्री। अरे भाई ये पार्लियामेंट जो बना है 140 करोड़ के टैक्स पेयर से बना है ना, आप क्या फोटो जाते तो थोड़ा दो चार आदमी को और ले लेते, उसमें क्या होता साथ में लोकसभा स्पीकर भी रहता और कोई आपके मंत्रीगण रहते। ये तो इनको है कि भाई इनका थोड़ी भगवान के बीच में और फोटोग्राफर हटा देते ऐसे करके, आप देखा होगा हटा देते, सिर्फ मेरा फोटो आना चाहिए। ये तो जनता डिसाइड करेगा फोटो प्रेमी ये है या बाकी के, ठीक है होता है प्रेमी, लेकिन इतना अरे भाई प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है उसकी बहुत सारी डिग्निटी होती है, आपको यू हैव टू सेंड सम मैसेज टू अमंग द पीपल कि भाई किस तरह आदमी को होना चाहिए, बिहेवियर होनी चाहिए। अब इस तरह की है जनता ही डिसाइड करेगी वो कौन है। और आपने क्या बोला, अब नए संसद भवन की बात करें, 25 पार्टियां विरोध में आ चुकी हैं। वही राजनाथ सिंह कहते हैं कि विरोध का मौका पार्टियों में आपसी जो लड़ाई है जो रंजिश चलती है वो चलती रहेगी, लेकिन ये जो है ये हिस्टोरिकल चीज होने वाली है, ऐतिहासिक है, इसका विरोध ना करें और सारे निमंत्रण दिया है सब पहुंचे वहां पर। वेरी गुड, राजनाथ सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं, वो कहां फंस गए पता नहीं, उनको ये भी बोलना चाहिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, राष्ट्रपति महोदया जो है हमारे देश की पहली ट्राइबल वोमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट है, उनको भाई इन्विटेशन तो कम से कम दे दो। एक आप एमपी को दे रहे हो भूतपूर्व, एक एमपी को दे रहे हो और एक प्रेसिडेंट को नहीं दे रहे हो जो कि हेड ऑफ द पार्लियामेंट है, उसको कम से कम बुला तो लेते उद्घाटन में तो, ये ऐतिहासिक चीज नहीं है क्या? हो गया चलो ठीक है, इतना दिन जो हो गया हो गया, आज भेजो लेटर वो कल बुला लो, नहीं तो डेट एक्सटेंड कर दो भाई। अभी मान लो राष्ट्रपति को कहते हो भाई टाइम नहीं है तो कोई हवाई जहाज छूट रहा है क्या, कल हो जाएगा परसों, ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे पार्लियामेंटेरियन बाहर बैठे पेड़ के नीचे बोल, पार्लियामेंट तो भाषण तो करते नहीं है, कभी माइक ऑफ होता है कभी ये होता है, इस बार पूरा संसद चला नहीं चला ना, तो ठीक है अभी उसको बुला लो, आज ही बुला लो, वो तो यही दिल्ली में रहती है ना, नहीं तो दो तीन दिन एक्सटेंड कर दो, उसमें क्या लग गया है। अच्छा, सावरकर की जयंती पर उद्घाटन है, इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजी है सावरकर की उसको मानती आई है, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? अब देखिए सावरकर जी का आइडियोलॉजी पर जान के किया है, जहां तक सावरकर जी का आइडियोलॉजी का बात है, वो क्या करते थे, वो तो पहले ये डेमोक्रेसी जो हमारी आई है उनमें का क्या कंट्रीब्यूशन है आप पूछो, जब वो जब तक जेल में थे वहाँ काला पानी में तब तक तो ही वाज वेरी गुड रिवॉल्यूशनिस्ट फ्रीडम फाइटर, लेकिन वहां से निकलने के बाद जब उन्होंने लेटर लिखा जितने भी 6-7 लेटर, वहां से निकलने के बाद उनका कंट्रीब्यूशन देखो आजादी में क्या है, वो जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था ना, तो उस समय वो कह रहे थे खुलेआम हिंदुस्तान में, वो उसमें हिंदू महासभा के वो प्रेसिडेंट थे शायद, वो उन्होंने खुलेआम बोला हिंदुओं को कि फौज में भर्ती हो हमारे, उसमें फौज किसके अंदर थे जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर में, ब्रिटिश के आर्मी के अंदर में फौज भर्ती करवाया, और एक बिहार में भागलपुर एक जगह है वहाँ जाकर उन्होंने बोला कि मैंने भाई गर्व से मैंने इतना हिंदुओं को भर्ती करवाया, जबकि मालूम था उनको कि उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था, तो उन्होंने जो 42-45 के उसमें वो जो फौज
लड़ते हुए हमारे इनके जो भाई सब वो किससे लड़ रहे थे, नॉर्थ जो हमारे आजाद हिंद फौज की तरफ से उधर इंडियन लड़ रहे थे, इधर से भी इंडियन, दोनों इंडियन को लड़वा दिया इन्होंने। और उनका ये कंड उनसे पूछो जो कि अभी बताओ सावरकर जी का छूटने के जेल छूटने के बाद वो कितने दिन अंग्रेजों का विरोध किए, वो तो अंग्रेजों को उन्होंने चिट्ठी लिखा और बोला कि मैं आपके साथ एक क्या कहते हैं भूल सुबह का प्रोडिगल सन, इंग्लिश बोलते हैं हिंदी बोलते हैं उसको शायद, कि भाई जो सुबह भूला हुआ शाम का जो वहा बाजा वैसा, हाँ, और मैं आपने जो भी कहेंगे मैं आपकी सेवा करूंगा आपके कभी भी राजनीतिक कार्यों में एक्टिविटी। उन्होंने जो लिखा लेटर में उन्होंने 100% उसको फॉलो किया। जब वो बार जो वहाँ महाराष्ट्र का एरावडी जेल से जब लास्ट में फाइनल में वो जब रिहा हुए, बहुत दिन जिए ऐसा नहीं है, ठीक है मैं वो सब नहीं चाहता हूँ गांधी जी के मोटर, बीजेपी के लिए तो पूजनीय है सावरकर। अरे भाई पूजनीय, लेकिन पूजनीय उनके लिए है ना, आम जनता के लिए। ये चीज पहले से बीजेपी ने क्लियर कर रखी है, तब भी लोगों ने वोट दिया उनको सत्ता में बिठाया। अच्छा एक चीज है, अब ये देखो सावरकर जी का ठीक है महात्मा गांधी के मर्डर के केस में वो छूट गए, लेकिन जब उनका नाथूराम गोडसे का केस चल रहा था वो साथ में आते थे, उनका जो उसमें कमीशन बना उन्होंने क्या दिया है कि भाई ये ड्यू टू लैक ऑफ द एविडेंस उनको कारण छूट गया। अब जो आदमी का इन्वॉल्वमेंट था, और यदि महात्मा गांधी अभी गए ना वहाँ जाकर के यहाँ कितने ही लोग गाली दे, लेकिन अभी जापान में गए थे तो प्रधानमंत्री महात्मा गांधी को ही प्रणाम करते हैं, तो जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी का टोटल डेड अगेंस्ट थे। और ये तो हमारी जो संसद है ये तो महात्मा गांधी के जो जो उसकी आइडियोलॉजी है, अभी भी आप बाहर बोलते हो हम गांधी के देश से आए हैं, और आप उस आदमी को उस आदमी के कर रहे हो इंटेंशनली कि भाई जो गांधी के आइडियोलॉजी के टोटल अगेंस्ट थे, जो इनके मान लो ठीक है वो उनका इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं मर्डर में, वो तो एक लीडर मैटर है, लेकिन उनका चेला जान पहचाना नाथूराम गोडसे तो था ना, उन्हीं का तो था ना भाई, उनके साथ आना जाना तो था ना, वो तो वो उन्होंने मारा ना, तो फिर आप उनकी पॉलिसी को फॉलो करते हो, यहाँ पॉलिसी उनको फॉलो करते हो, बाहर में जाके सब निभाते हो, यही तो है इनकी। 28 तारीख के उद्घाटन को किस तरह देख रहे हैं? ये उद्घाटन बस यही है देख ही रहे, जहाँ आम जनता जो 25 पार्टियों ने लिया बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, एटलीस्ट यदि चाहे ये सरकार तो अभी भी इनके पास टाइम है हमारे राष्ट्रपति महोदया को बुलावे उद्घाटन में, और उनको उनको हाथों से उद्घाटन करें, नहीं तो एटलीस्ट इन्विटेशन तो दे। अरे भाई हमारे देश की प्रथम नागरिक है तुम, एक MP को बुला, ये तो सरासरी उनकी मतलब क्या कहते हैं एक डिसग्रेसफुल है, एक उनकी बेइज्जती एक तरह से समझो है। अब उनको अब ये क्या कहते हैं कि भाई राष्ट्रपति ये कह दिए वो, अरे भाई वो तो जो डिग्निफाइड आदमी होता है, मान लो किसी को मान लो आप निमंत्रण में नहीं बुलाओगे तो वो थोड़ा कहेगा मैं आ जाऊँगा, वो तो क्या बोलेगा नहीं जी मुझे काम था, ऐसे ही बोलेगा। एक डिग्निफाइड आदमी एक इज्जतदार आदमी ऐसे ही बोलते हैं, जो शरीफ आदमी इसको बोलते हो समाज में, शरीफ आदमी क्या बोलेगा मैं तुम्हारे घर में आऊँगा, कोई बोलता है मुझे इन्विटेशन दो मुझे माला पहनाओ, वो तो हमारी एक ड्यूटी लगती है ना कि भाई जो नंबर 1, 2, 3 आप यदि प्रोटोकॉल देखते हो गवर्नमेंट का, तो उस प्रोटोकॉल में हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ आते हैं, ठीक है भाई आपने एक उद्घाटन कर रहे शिलान्यास कर दिया, उद्घाटन के टाइम में तो इनको बुलाते हैं ना, और फिर एग्जाम्पल भी गलत देते हैं भाई हमारे UD मिनिस्टर कि भाई इंदिरा गांधी राजीव गांधी ने यदि वो किया फाउंडेशन डाला था लाइब्रेरी का, तो उसका उद्घाटन उन्होंने KR नारायणन राष्ट्रपति से करवाया था, इंदिरा गांधी ने यदि उद्घाटन किया था उसमें BB गिरी ने उसका फाउंडेशन किया हुआ था, उसमें मतलब ये बोला नहीं, उसमें उन्होंने जो सोचा उन्होंने ये सोचा ना भाई कि नहीं भाई सिर्फ पावर का जो पावर सिर्फ मेरे पास नहीं, राष्ट्रपति भी उनकी भी वैल्यू देनी चाहिए, उनकी भी जो एक तरह से वेटेज देना चाहिए, इन्होंने क्या भाई सब चीज एक वही बोले ना आपको बस मैं हूँ दूसरा ना कोई, इनका जानते हैं रेल मिनिस्टर कौन है, हर झंडी तो ये दिखाने चले जाते हैं झंडी में पट्टिका में नाम लिखवाने। अरे आपने आप लोगों का उम्र जो मान लो आप लोग यंग हो इतने उम्र का आदमी प्रधानमंत्री को झंडी दिखाने जाते थे, एक आध ट्रेन कभी चले गए कोई लगता भाई कि एकदम बुलेट ट्रेन वाली क्या बुलेट ट्रेन एक आएगा, उसका जब सीरीज हो रहा है 17 ट्रेन हो गए, 17 में 16 ट्रेन का इन्होंने झंडी दिखाया है, अब सोचो। अरे आ जाता है बीजेपी चली प्रधानमंत्री के फेस वैल्यू पर। अरे ठीक है फेस वैल्यू हर में प्रधानमंत्री क्या होता है बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है ये बोले अभी कर्नाटक में इनका फेस आगे कर गए जीते ना, जब जीतते हैं तो ये 15 दिन की रैली तो प्रधानमंत्री